मीडिया ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। यह है मकबूजा बलूचिस्तान। पेश है मकबूजा बलूचिस्तान में इंसानी हकूक सूरतहाल की ताजा तरीन रिपोर्ट। इस हफ्ते बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, फौजी ऑपरेशंस, जबरी गुमशुदगियां, घरों की लूटमार, स्कूलों पर फोर्सेस के कब्जे, नकल मकानी, नई फौजी चौकियों का क्याम, मीडिया पर बंदिश और सिक्योरिटी फोर्सेज की जारी जंगी जराइम की ताजा तरीन सूरतहाल क्या रही है, आइए देखते हैं। यह है संगर वीडियो रिपोर्ट सीरीज की 29वीं किस्त। मार्च 2019 के महीने का दूसरा हफ्ता यानी 8 मार्च से लेकर 14 मार्च का हासिल करदा आदाद शुमार। इस रिपोर्ट के आदाद शुमार बलूचिस्तान के सेंसर शुदा प्रिंट मीडिया, संगर मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया, लापता अफराद के अहल खाना और मुसद्दका मकामी जराए से हासिल किए गए हैं। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट की वजह से इन आदाद शुमार की सिर्फ 1% पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में शाया हुई है। सबसे पहले पेश है 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक की मजमुई रिपोर्ट। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक टोटल 4 फौजी ऑपरेशंस रिपोर्ट हुए थे। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक टोटल 4 अफराद की जबरी गुमशुदगियां रिपोर्ट हुई थी। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉर्चर सेल से टोटल 22 अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक बलूचिस्तान भर से 33 कत्ल के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक बलूचिस्तान भर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों टोटल 2 घरों में लूटमार के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। ये थी इस हफ्ते की मजमुई रिपोर्ट, जबकि अब पेश खिदमत है हर दिन का तफसीली आदाद शुमार जो रोजनामचा की सूरत में तरतीब दी गई है। 8 मार्च को तफ्तान में 2 फौजी ऑपरेशंस रिपोर्ट हुए थे। 8 मार्च को दौरान फौजी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों टोटल 2 अफराद की जबरी गुमशुदगियां रिपोर्ट हुई थीं, जिनकी शनाख्त जर्नलिस्ट नामतुल्ला और मोहम्मद परवेज वल्द रसूल बश के नामों से हो गई थी। 8 मार्च को मस्तूं कांग से 1 लाश की बरामदगी रिपोर्ट हुई थी जिसकी शनाख्त ना हो सकी। 8 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉर्चर सेल से 1 लापता शख्स की रिहाई रिपोर्ट हुई थी जिसकी शनाख्त मोहम्मद अनीब वल्द मोहम्मद अनीब के नाम से हो गई थी, जिन्हें मार्च 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंजगूर खुदाबादान से गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता कर दिया था। 9 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉर्चर सेल से 4 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त सलीम वल्द मोहम्मद असलम, वहाब वल्द नवाज अली, अली हामद और अली असन के नामों से हो गई थी। जराए बताते हैं कि सलीम वल्द मोहम्मद असलम को 1 साल पहले कुजदार से, वहाब वल्द नवाज अली को 14 नवंबर 2017 को पंजगूर से और अली हामद और अली हसन को 6 साल पहले क्वेटा से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता कर लिया था। 9 मार्च को आयरलैंड के शहर एमस्टरडेम में HRCB और एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप की जानिब से एक सेमिनार बहनवान हमें बलूचिस्तान से मुतल्लिक क्या जानना चाहिए के अनवान से मुनक्किद किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप और HRCP के इश्तराक से बलूचिस्तान तनाजा और बलूचिस्तान के इंसानी हकूक की सूरताल के हवाले से मुनक्कदा प्रोग्राम में बलूच नेशनल मूवमेंट के कारजामोर के तर्जमान अमल एदर बलूच, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से ताज बलूच और डच सहाफी सोजाना कोस्तर समेत एमस्टरडेम यूनिवर्सिटी के बैन अल-अक़वामी जंगी कानून के प्रोफेसर अरमान फान वेलेट ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में BNM कार्य सेक्रेटरी अमल एदर बलूच ने बलूचिस्तान की सूरताल के अलावा पार्टी मौकफ पेश की। सेमिनार में बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के कारकुनान समेत दीगर बलूच सियासी कारकुनान और मकामी तलबा समेत लोगों ने अच्छी तादाद में शिरकत की। 10 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेज के टॉर्चर सेल से 5 अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त नसीर बलूच, कंबर वल्द यूसुफ, सोलू वल्द बाबू, मुल्ला रशीद वल्द कमालान और मुनीर अहमद वल्द वली महमद के नामों से हो गई थी। जराए बताते हैं कि नसीर बलूच को 15 नवंबर 2017 को कराची से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था और इसका ताल्लुक तुलबा तंजीम BSO आजाद से था।
जबकि कंबर यूसुफ, सोलू बाबू, मुल्ला रशीद और मुनीर अहमद को 31 जनवरी 2019 को केच के इलाके ग्वारखूब से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था। 11 मार्च को जिला केच में एक फौजी ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ था। 11 मार्च को दौरान फौजी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों एक नौजवान की जबरी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी, जिसकी शनाख्त शकूर वल्द बाबू के नाम से हो गई थी। 11 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेज के टार्चर सेल से 4 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त 2 सगे भाई आसल वल्द मूसा और वाहग वल्द मूसा, यूनुस वल्द इलाइदाद और फकीर बख्श वल्द चारशंबे के नामों से हो गई थी। जराए बताते हैं कि 2 सगे भाइयों आसिल वल्द वाहग को गुरकूब से, जबकि यूनुस और फकीर बख्श को 28 नवंबर 2018 को जौंक से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था। 11 मार्च को 2 लाशों की बरामदगी रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त मोहम्मद इस्लाम वल्द शाही खान मेंगल और बरावी जुबान के गुलूकार गुलाम मोहम्मद साकिब के नामों से हो गई थी। दोनों के कत्ल के वजूहात सामने ना आ सके। 12 मार्च को ग्वारखूब केच से एक फौजी ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ था। 12 मार्च को दौरान फौजी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक नौजवान की जबरी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी, जिसकी शनाख्त शेह वल्द दीनार के नाम से हो गई थी। 12 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के टार्चर सेल से 4 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त अदनान वल्द मौला बख्श, अकरम वल्द आजी यासीन, मिस्कीन असलम और इस्लाम के नामों से हो गई थी। जराए बताते हैं कि अदनान वल्द मौला बख्श, अकरम वल्द आजी यासीन को गुज़िश्ता महीने 21 फरवरी की रात ग्वादर के इलाके मुंडी और फकीर कॉलोनी से सिक्योरिटी फोर्सेज ने घरों पर छापा मार कर गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता कर दिया था, जबकि मिस्कीन असलम और इस्लाम को वादी मशके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था। 12 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों दौरान फौजी ऑपरेशंस टोटल 2 घरों में लूटमार के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। 13 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेज के टार्चर सेल से 1 लापता शख्स की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिसकी शनाख्त असलम शोवाज के नाम से हो गई थी, जिन्हें अगस्त 2015 को जिला उनुश्की से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था। 14 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेज के टार्चर सेल से 3 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शनाख्त निसार अहमद वल्द मेजर इब्राहिम, अमीर बख्श वल्द दीन मोहम्मद और हमीद वल्द मुल्ला नूर के नामों से हो गई थी। जराए बताते हैं कि निसार अहमद, जो कि दश्त का रिहायशी है, उसे सितंबर 2017 को अबचौकी से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था, जबकि अमीर बख्श वल्द दीन मोहम्मद और अमीद वल्द मुल्ला नूर को बालगतर लूप से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता किया था। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन सूरताल की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिल सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। बलूचिस्तान जिंदाबाद।